बड़ी खबर आपको दे दें कि वसुंधरा राजे जो कि दिल्ली पहुंची देर रात, कल भी बहुत गहमा गहमी का दिन था। अब यह बताया जा रहा है कि राजस्थान सीएम पद को लेकर दिल्ली से जयपुर तक जो हलचल है उसमें वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कल जो खबर आई थी उसके अनुसार ये बताया गया था कि वसुंधरा ने यहां बात की और कहा कि वो एक पार्टी की अनुशासित सिपाही हैं और किसी भी तरीके से पार्टी लाइन नहीं लांगेंगी। फिर बीती रात उनके यहां पर पहुंचने की भी बात हुई और अब ये खबर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा से यानी पार्टी अध्यक्ष से मिलने का समय उन्होंने मांगा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या मतलब हम इसके मायने क्या समझें कि राजस्थान में सीएम चयन की प्रक्रिया में वसुंधरा शामिल रहेंगी या फिर उनकी तरफ से अभी उस उम्मीद को छोड़ा नहीं गया है कि वो फिर एक बार मुख्यमंत्री हो सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है श्वेता कि उनकी उम्मीद को जो है अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान जो है उन पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्होंने जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे समय मांगा है दिल्ली आने पे और लगता है आज देर शाम तक जो है बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनसे मुलाकात हो जाएगी और वो पार्टी आलाकमान के सामने अपना पक्ष भी रख देंगी। क्योंकि कल पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको फोन किया गया था, जिस तरीके से पिछले दो दिनों में विधायक जो उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे उसको लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है और पार्टी की लाइन को जानती है और पार्टी की लाइन के खिलाफ वो कभी नहीं गई है। और देर रात वो दिल्ली पहुंची और अब आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी और संभवतः जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करके अपना पक्ष रखेंगी कि पार्टी आलाकमान को जो है उनके ऊपर भरोसा जताना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि पार्टी आलाकमान क्या तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा, क्योंकि पार्टी उनके चेहरे पर जो है चुनाव नहीं लड़ा था इस बार और सामूहिक नेतृत्व में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ। लेकिन फिर भी संभावनाओं का खेल है और इसीलिए वो अपनी अंतिम जो कोशिश है वो करने के लिए वो दिल्ली पहुंच गई हैं, क्योंकि अगले 102 दिन के अंदर यानी जो है ऑब्जर्वर्स के नामों की घोषणा होगी और शनिवार और एतवार को विधायक दल की बैठक होगी और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये बैठक बुलाई जाएगी जहां पर मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा जो है पार्टी के पर्यवेक्षकों के द्वारा की जाएगी। श्वेता, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। तो सबसे ज्यादा जो खींचतान लग रही है तीनों राज्यों में, वहां पर राजस्थान को लेकर ही ऐसा लग रहा है, बैठकों का दौर राजस्थान में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है उसका, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों के जो सीएम के चेहरे होंगे, उम्मीद है कि इस वीकेंड तक यानी शनिवार रविवार तक कोई नाम ऐसे हों जो फाइनल हों।